हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एंड डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के बारे में। इससे पहले हमने क्लास में डिस्कस किया था आरसीसी के क्लास में लिमिट स्टेट मेथड के बारे में, और उस पर बेस्ड जितने भी एजम्पशंस हैं जो कि आई एस 456 द्वारा दिए गए हैं, उस एजम्पशंस के बारे में हमने देखा। और उस एजम्पशन के बाद अब हमें फाइंड आउट करना होगा कि लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है एंड डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, किसको कहते हैं, और कैसे हम इन दोनों चीज़ों को कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, एक्स यू लिमिटेड कहा जाता है लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को, एंड इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक्स यू को। दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों में डिफरेंस क्या चीज़ होता है कि अगर जैसे कि हमने पहला एजम्पशन की बात की थी कि प्लेन सेक्शन रिमेंस प्लेन आफ्टर बेंडिंग, अगर हमारे पास कोई बीम है और इस बीम पर जब हम लोड अप्लाई करते हैं तो ये बीम जो है, ये बीम हमारा कुछ इस तरह का कर्व हो जाता है, और कर्व होने के बाद हम क्या देखते हैं कि जब हमारा बीम स्ट्रेट था, जब ये बीम स्ट्रेट लाइन था, तो इसमें जितने भी स्ट्रेट लाइन थे वो क्या हो जाए थे कि अपने पोजीशन से यहाँ का टॉप का मॉलिक्यूल्स खिसक के यहाँ चला गया होगा, इसका मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आ जाता है। तो ऐसे करते हुए एक ये वेरिएशन जिसको स्ट्रेन वेरिएशन कहा जाता है, तो एक वेरिएशन का अपना फॉर्मेशन कर लेते हैं। मतलब ये जो प्लेन हमारा इस तरह का था, अब वो प्लेन जो है बेंडिंग होने के बाद ये प्लेन ऐसे इंक्लाइंड हो जाता था, ऐसा हमने एजम्पशन में देख चुके हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि एक्स्यू लिमिटेड कहते किसको हैं। तो देखिएगा, ये जो सामने आप डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पर ये डायग्राम एक्स्यू लिमिटेड को आपको बताएगा कि एक्स्यू लिमिटेड क्या है, कि जब हम कंक्रीट में मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस 0.0035 लगाते हैं, जब हम कंक्रीट में मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस 0.0035 हम यूज करते हैं, एंड उसके बाद हम जो स्ट्रेन है स्टील में, जो स्ट्रेन है वो 0.002 + 0.87 FY/ES इतना हम जब वैल्यू यूज करते हैं, तो इस पर जो हमें डेप्थ फाइंड आउट होता है उस डेप्थ को कहा जाता है लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। मतलब ये कि IS 456 द्वारा दिया गया जो डाटा है, इसके अकॉर्डिंग हमको मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट एंड मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेन इन स्टील, इस वैल्यू पर को हम अगर अप्लाई करते हैं, मतलब कि कंक्रीट में स्ट्रेन इतना होना चाहिए एंड स्टील में स्ट्रेन हमारी मैक्सिमम इतना होना चाहिए, तब जो हमें डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड होता है उसको कहा जाता है लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। मतलब उसको लिमिट कर दिया गया है। ठीक है, अगर हम उसमें कुछ चेंजेज करते हैं, अगर हम स्ट्रेन यहाँ पर कंक्रीट में स्ट्रेन की वैल्यू को अगर हम चेंज कर दें, या फिर स्टील में जो स्ट्रेन आ रहा है इस वैल्यू को अगर हम चेंज करें, तो वो चेंज करने से जो हमें डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट होता है, उस डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को कहा जाता है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जो IS 456 द्वारा दिया गया डाटा था, उस डाटा के अकॉर्डिंग जो हमें डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मिलता है उसको कहा जाता है लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एंड जो अगर हम चेंज करते हैं उसमें, अगर हम रिसर्च कर रहे हैं, अगर उसमें हम वेरिएशन देखते हैं, तो वो चेंजेज अगर होता है, तो चेंजिंग के वजह से जो डेप्थ हमें फाइंड आउट होता है वो उस डेप्थ को कहा जाता है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब आप सबको पता होगा ही कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस किसको कहा जाता है। तो पहले एजम्पशन में हमने बात किया था कि सपोज हमारे पास कोई एक बीम था जिस पर हमने लोड लगाया था, या तो लोड पॉइंट लोड हो या तो UDL, कुछ भी हो सकता है, तो जो हमारी वेरिएशन हुए थे यहाँ का मॉलिक्यूल्स, हमने कहा था कि ड्यू टू टॉप में कंप्रेशन होता है और बॉटम में हमें टेंशन देखने को मिलता है, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आपस में कंप्रेस होते जाते हैं। तो ये यहाँ का मॉलिक्यूल्स अपने जगह भी न्यू पोजिशन गेन कर चुका होगा, और यहाँ का जो हमारा स्ट्रेन, हमारा जो पहले का स्ट्रेट लाइन था, अब वो स्ट्रेट लाइन जो है वो बदल के इंक्लाइंड हो जाता था। तो इस तरह से देखते थे जैसे ये यहाँ का बॉटम का मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ टेंशन अप्लाई होता है, तो यहाँ के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर भागते हैं, तो यहाँ का मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र हो चुका होगा कहीं यहाँ पर, चूँकि जब ये बेंडिंग होगा इस तरह का, जब स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब क्या है कि ऊपर वाले प्लेन में देखो बेंडिंग हुआ है, तो मतलब प्लेन में बेंडिंग हुआ है, तो मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो गए होंगे, कंप्रेस हो गए होंगे, ये मॉलिक्यूल्स यहाँ चुके होंगे, तो ये कंप्रेशन की वजह से अपना पोजीशन जो है मॉलिक्यूल्स वो चेंज कर लेते हैं। तो ये चेंज होने की वजह से अपना ये नया प्रोफाइल बना लेते हैं, जिसको हम लोग वेरिएशन इन स्ट्रेन कहा जाता है। स्ट्रेन में वेरिएशन इस तरह से हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि पहले जो हमारा प्लेन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन था, अब वो इंक्लाइंड बन जाता है।
ठीक है। तो एक्चुअली लिमिटेड होता क्या है, तो वह पोजीशन ये बीम का वह पोजीशन जहाँ पर ये वेरिएशन बिल्कुल नहीं होता है, मतलब यहाँ का देखिए ये पॉइंट जहाँ से ये क्रॉस हो रहा है, जहाँ कट हो रहा है, यहाँ का मोलकुल्स कहीं नहीं गए हैं, अपने जो ओरिजिनल पोजीशन था उसी पोजीशन पर अभी भी बने हुए हैं, चाहे हम लोड इस पर कितना भी हम अप्लाई कर लें। तो ठीक है, तो वह पोजीशन न्यूट्रल एक्सिस कहलाता है जहाँ का मॉलिक्यूल्स अपना पोजीशन चेंज नहीं किए हैं। तो वो डेप्थ जाता है, जो टॉप से हम डेप्थ मेजर करते हैं उसको कहा जाता है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अगर हमने लिमिट लगा दिया है कि मैक्सिमम स्ट्रेन जब आप इस पर लोड अप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम स्ट्रेन कॉन्क्रीट में 0.0035 होना चाहिए, और स्ट्रेन जो है स्टील में जो स्ट्रेन है वो होना चाहिए 0.002 + 0.87 FY, तब ऐसे कंडीशन में जो हमें डेप्थ फाइंड आउट होता है उसको कहा जाता है डेप्थ ऑफ लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा दोनों में डिफरेंस क्या है, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एंड डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस में। तो अब चलते हैं कि इसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कैसे। तो देखिए आपके पास जो ये डायग्राम बना हुआ देख रहे हैं, ये डायग्राम नया नहीं है, यह डायग्राम जब हमने पहला जंक्शन बताया था वहीं का ये डायग्राम है जिसको स्ट्रेन डायग्राम के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम में देख रहे होंगे हमने मैक्सिमम वैल्यू इतना अप्लाई किया हुआ है जो कि IS-456 कहता है, एंड कंक्रीट में उतना था और स्टील में हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू इतनी है 0.002 + 0.87 FY/ES। इस सेक्शन को हम लोग बैलेंस सेक्शन के नाम से जानते हैं। आगे हम बताएंगे कि कंक्रीट में तीन तरह के बैलेंस सेक्शन हम लोग यूज करेंगे, बैलेंस सेक्शन, अंडर रिइंफोर्स सेक्शन एंड ओवर रिइंफोर्स सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग बैलेंस सेक्शन के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस केस में दो ट्रायंगल हमें देखने को मिल रहे हैं। पहला ट्रायंगल जो हमें ये बता रहा है इस तरह का, और दूसरा ट्रायंगल कुछ इस तरह से बन रहा है। ठीक है, ये एक ही बीम का स्ट्रेन वेरिएशन डायग्राम है, स्ट्रेन में लीनियर जो वेरिएशन हो रहा है उसका डायग्राम है। मतलब इससे ये पता चल रहा है हमको कि पहले हमारा जो कंक्रीट का प्लेन था इस तरह से था, कंक्रीट का पहले का प्लेन इस तरह से था बिफोर अप्लाइंग लोड। जब हम लोड अप्लाई नहीं किए हुए हैं तो कंक्रीट का प्लेन बिल्कुल स्ट्रेट था, लेकिन जब हम कंक्रीट पर लोड अप्लाई किए तो ये जो प्लेन था वो इंक्लाइंड हो गया, कुछ इस तरह से ये प्लेन बन गया। तो इन दोनों प्लेन को मिलाने से जो डायग्राम बनता है उसको स्ट्रेन डायग्राम कहा जाता है। अब इस पर जो IS-456 कहा कि हमको कितना मैक्सिमम स्ट्रेन लगाना है वो हमने यहाँ लगा दिया, कितना स्ट्रेन कंक्रीट स्टील में लगाना है इतना हमने यहाँ लगा दिया। अब देखेंगे कि इस तरह से करने से हमारे पास दो ट्रायंगल बनके मिलते हैं, एक ट्रायंगल ये मिला जिसको नाम दिए हैं OAB, और दूसरा ट्रायंगल मिलता है जिसको नाम दिया गया है OCD। ठीक है, एक ट्रायंगल यहाँ पर मिला है OAB और दूसरा ट्रायंगल हमें क्या मिला हुआ है ODC। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल में हम सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। ठीक है, हमारे पास किसकी वैल्यू पता है, AB की वैल्यू पता है यहाँ पर। ठीक है, AB का वैल्यू पता है, उसके बाद किसका वैल्यू पता है हमें, उसके बाद हमें पता है OA की वैल्यू। देखिए O से A की वैल्यू पता है हमको क्या है, तो XU लिमिटेड है। O से A की वैल्यू भी हमें पता है जिसकी वैल्यू कितनी है, XU लिमिटेड है। उसके बाद किसका पता है, तो देखिए A से C की वैल्यू पता है, A से C का वैल्यू हमें पता है कितना है, ये है D हमारे पास, A से C की वैल्यू पता है D। हमें पता क्या नहीं है इसमें, तो हमें नहीं पता है O से C की वैल्यू, ये चीज़ें हमें नहीं पता है। जब हमें ये निकल जाएंगी तो हम इसका XU लिमिटेड की वैल्यू भी इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि XU लिमिटेड हमारा कैसे हम लोग फाइंड करेंगे कितना डेप्थ ये होगा। तो वो डिपेंड करेगा हमारी डैम जो भी यूज करेंगे ग्रेड ऑफ स्टील उस पर ये डिपेंड करेगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे और इस पर हम लोग अप्लाई करते हैं सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टीज। देखिए हमने सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टीज अप्लाई किया है OAB एंड ODC में। ठीक है, OAB एंड ODC में सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टीज अप्लाई किए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी जैसे कि 9th में आपने पढ़ा होगा कि उसमें होता है कि रेशियो लेते हैं ट्रायंगल का, अगर बेस का रेशियो ले रहे हैं तो दोनों बेस, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो ले रहे हैं तो दोनों में बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो ही यूज करेंगे। तो यहाँ भी हमने यूज किया हुआ है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो। देखिए पहले क्या है, पहले क्या लिए हुए हैं OA/AB। यहाँ देखिए यह है OA और यह है AB एक ट्रायंगल का। ठीक है, दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं, क्या लिए हुए यहाँ पर दूसरे ट्रायंगल में, OC/CD। दूसरे ट्रायंगल का देखिए ये रहा OC/CD। ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल में क्या लिए, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस दोनों का रेशियो हमने यूज किया। अब क्या किए, अब हमने सबकी वैल्यू के यहाँ पुट किया। OA की वैल्यू कितना है, OA का वैल्यू देखिए, O से A की वैल्यू कितना है यहाँ पर, XU लिमिटेड, तो हमने यहाँ पर रखा XU लिमिटेड।
ठीक है, वो एक जगह पर पुट कर दिए एक्सिव लिमिटेड। दूसरा हमारा क्या है, ओ सी। ओ सी है, ओ से सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ओ से सी की जगह हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, ओ से सी का हमको वैल्यू नहीं पता है, ये हमें फाइंड आउट करना है कितना आएगा। तो ओ से सी को हम क्या कर सकते हैं कि ये हमारा पूरा वैल्यू है डी, ओ से ए से सी तक हमारे पास डी वैल्यू है, इस डी वैल्यू को, ये हमारे पास पूरी वैल्यू है, इस पूरे में से हम एक्सयू लिमिटेड को घटा देंगे अगर, तो हमारे पास ये वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो यही काम यहाँ पर किए हुए हैं, डी में से एक्सयू लिमिटेड वैल्यू को हम यहाँ पर माइनस कर दिया हुआ है, तो हमें क्या मिल गया, ओ से सी तक मिल गया। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, ए से बी का डिस्टेंस, तो ए से बी का हमें पता है 0.0035, एंड और बाद में हमें क्या है, लास्ट में है डी से सी का डिस्टेंस, तो डी से सी का डिस्टेंस हमें पता है 0.002 प्लस 0.87 FY, ठीक है, 0.FY बट्टा में ES, ये वैल्यू भी हमें पता है। तो टोटल वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट किया, और इस पुट करके अब बताइए यहाँ पर सब कुछ इंटीजर वैल्यूज हैं, और इसमें एक्सयू लिमिटेड एक अननोन है, तो हम यहाँ से एक्सयू लिमिटेड इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से जब हम कैलकुलेट किए हैं, देखिए यहाँ पर ई एस की जो वैल्यू है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, इसकी वैल्यू रखना है 2.1 × 10⁵, ठीक है, इसकी वैल्यू पुट करना है इतना। एंड एफ वाई होता है ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ स्टील की हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है, अगर नहीं देखें तो उसको जरूर देख लें। एफ वाई होता है ग्रेड ऑफ स्टील, जो कि तीन तरह का हम लोग ग्रेड जनरली यूज करते हैं, एफ ई 250, एफ ई 415 और एफ ई 500 के लिए, ठीक है, एफ ई 500 के लिए भी यूज करते हैं। तो जिस ग्रेड के लिए यूज करना है उसका हम एफ वाई का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और ई एस की वैल्यू उसको पुट करेंगे, ठीक है। तो उस केस में जब हम ये पुट कर देते हैं तो यहाँ पर एक्सयू लिमिटेड की वैल्यू हमको तीनों ही केस में हमें मिल जाती है। जब हम रखते हैं एफ वाई की वैल्यू 250 और ई एस की वैल्यू सबके लिए कॉमन रहेगा 2.1 × 10⁵, ठीक है, इसके लिए सबके लिए वैल्यू कॉमन रहेगा। तो इतना वैल्यू हम पुट करने के बाद जब कैलकुलेशन करते हैं तो एक्सयू लिमिटेड है 0.053D, 0.48D एंड 0.46D इन केस ऑफ एफ ई 250, एफ ई 415 एंड एफ ई 500 के केस में, ठीक है। तो ये थे कि आज के क्लास के लिए हम लोग की हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एक्सयू लिमिटेड। आज के क्लास में हमने देखा कि एक्सयू लिमिटेड की वैल्यू को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एक्सयू, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आई हो समझने में तो हमें मैसेज करें, हम ट्राई करेंगे आपके समस्या को दूर करने का, और ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।